आप सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। आपके और मेरे बचपन के हीरो चार्ली मामू, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज तो हमने ईद के दिन आके इनको तंग कर दिया है। नहीं, मुझे कोई तंगी नहीं हुई। नाना दादा भी हैं। मैं बिल्कुल नाना हूँ। आधा केला खाते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं, तो क्या वो प्ले के अलावा भी आपको आदत हो गई थी वो करने की? सर, ईद के 3 दिन को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे होता है कंटिन्यूसली 3 दिन मेरा टेलीफोन ऑन ही रहता है। वो 3 दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जिधर जिधर मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैं कॉल करके मैसेज दूँ। पेज बता दे ताकि मेरे व्यूअर्स एक बार गिरे और फिर उठ जाएं। इंशाल्लाह 31 दिसंबर को पूरा 64 हो जाने में। आप देखो ना, तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मुझे कोई और ऐसा शौक है। मेरा सबसे बेस्ट शौक जो है वो ड्रेसिंग है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेजा राजपूत और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। आप सबको मेरी जानिब से मोहब्बत भरी, चाहत भरी, मीठी सी ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ईद के दिन का आगाज बहुत ही खूबसूरती से कर चुके होंगे। सवैयां, खीर, गजरेला, मीठी मीठी चीजों से आप लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे होंगे, नोश फरमा रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कौन आने वाला है और आप किसकी तरफ जाने वाले हैं। इसी तरह आज ईद के मौके पर मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लाई हूँ, आपके और मेरे बचपन के हीरो जी, मैं बात कर रही हूँ ऐनक वाला जिनके मशहूर और मकबूल करेक्टर चार्ली मामू की। आज हम लेकर आए हैं आपको असद भंडारा साहब के घर पे और देखते हैं कि चार्ली मामू की शख्सियत अंदर से कैसी है, करेक्टर में ही रहते हैं या इसके पीछे कोई ऐसी शख्सियत छुपी है जिसे हम में से कोई नहीं जानता। तो आइए मेरे साथ, चार्ली मामू के घर आए हैं, देखते हैं अंदर से चार्ली मामू आते हैं हमें रिसीव करने या असद भंडारा साहब। तो आइए मेरे साथ। हम लोग चार्ली मामू के घर पर आ चुके हैं और यहीं पर सबसे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो पूछेंगे, उसके बाद आपको इस चेहरे के पीछे जो पर्सनालिटी है उससे मिलवाएंगे। अच्छा चार्ली मामू, मुझे ये बताएं कि कैप और ये छोटी सी जो आपने मॉस्टेज लगाई हुई है और ये छड़ी, ये उस वक्त की ही आपके पास? ये बिल्कुल वो जेन्युइन कॉस्ट्यूम, मेरा पूरा, मेरी आइडेंटिटी यही बनती है। क्या आपने ये उनसे परचेज कर लिया या आपने ही लिया था? ये मेरा ही था, स्टिक मैंने पीटीवी से ली, ये उन्होंने मुझे अरेंज कर। कितने साल हो गए? अब देख लो 93 से लेके। जी व्यूअर्स, आपके पसंदीदा करेक्टर ने हमें ईद मुबारक कहा और रिसीव भी किया, उनके घर पे हम मौजूद हैं, लेकिन उस दिलकश खूबसूरत करेक्टर के पीछे आखिर जो चेहरा छुपा हुआ है उसे कितने लोग जानते हैं और असल कहानी क्या है, आप सबको आज ही मिलवाऊंगी और उनसे मजे मजे की बातें भी करेंगे। जी मेरे साथ मौजूद है असद भंडारा साहब और चार्ली मामू के चेहरे के पीछे जो असल पर्सनालिटी है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रवेजी, आने का शुक्रिया भी बहुत। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज आप? मैं बिल्कुल ठीक, और खास तौर पे आज ईद जो है हमारी, तो इसमें तो हक बनता है। फिर आपको और आपके अहले खाना को ईद मुबारक बहुत ज्यादा। आप हमारे व्यूअर्स आपकी जानिब से विशेस चाहते हैं तो उनको अच्छा सा ईद मुबारक में कहते हैं। मेरी तरफ से मेरे पूरे पाकिस्तान के चाहने वाले जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जाहिर है हमारा एक आधे दिन का फर्क आता है ईद का, लेकिन जो जब भी ईद मना रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सही हो गया। हम इनसे सबसे पहले तो जानेंगे कि रमजान कैसा गुजरा और रमजान के बाद एक एक्साइटमेंट होती है एकदम से ईद की, तो ये दोनों चीजों को कैसे रिलेट करते हैं? रमजान तो जज़ाकअल्लाह, मैं स्पेशली इंतजार में रहता हूँ कि रमजान शरीफ शुरू हो, क्योंकि मेरी एक रूटीन है जो मैंने जब से, आप समझ लें, थोड़ा होश संभाली है, तो वो मैंने तय किया हुआ है कि मैंने जहाँ भी पहले दिन तरावी पढ़नी है, जज़ाकअल्लाह, मैंने ख़त्मे कुरान वहीं पे ही करना है। माशाल्लाह। तो वो रूटीन एक ऐसे, आपको 11 महीने जैसे इंतज़ार रहता है ना, तो माशाल्लाह फिर अल्लाह का दिया हुआ एक नेकी के बदले जो 70 नेकियों का सवाब है, तो वो तो माशाल्लाह हर साहिब हैसियत बंदा जिसको पता है इस चीज़ का, अपने दीन का,
तो वो तो इसमें खुशियां खुशियां उसके लिए इकट्ठी होती हैं। उसके बाद ईद की एक्साइटमेंट, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आज तो हमने ईद के दिन आके इनको तंग कर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि वैसे अमूमन ये ईद पे क्या करते हैं। नहीं, मुझे कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि मुझे खुशी है कि आप जैसा बच्चा आया है माशाल्लाह। अच्छा, अब नाना दादा भी है? मैं बिल्कुल नाना हूँ, दादा नहीं। माशाल्लाह नाना है, और सबसे ज्यादा चहेता बच्चा जिसका जहन में भी होता है कि इसने ऐसे ईदी लेनी है, वो कौन सा वाला बच्चा है? सारे बच्चे ही माशाल्लाह। फिर भी एक बच्चा एक दो बच्चे हैं जो क्वाइट हैं, लेकिन बाकी सारे अटैक करते नाना अबू निकाल ले, हमने तो इतने लेने। अच्छा, यहीं से हम प्ले के हवाले से बात करते हैं कि प्ले में एक आपका एक एक्शन बहुत फेमस, जिसमें आप आधा केला खाते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं, तो क्या वो प्ले के अलावा भी आपको आदत हो गई थी वो करने की, या सिर्फ प्ले की हद तक था? नहीं, केला खाना सिर्फ प्ले की हद तक, अदरवाइज मुझे बनाना शेक पसंद है, केले खाना जरा मुश्किल लगता है। मैंगो बेस्ट फ्रूट है, आपको पता है। इस करेक्टर में आपको फिट करने वाली शख्सियत का नाम? हफीज ताहिर, और उसके बाद ए हमीद, हमारे जो राइटर हैं, वो जो केले वाली कंटिन्यूटी है वो हमीद साहब की है। अच्छा, दैट वाज रियली अमेजिंग, इतना आपने आपको फिट रखा हुआ माशाल्लाह से, और ग्लोइंग अभी भी, तो एज बता दे ताकि मेरे व्यूअर्स एक बार गिरे और फिर उठ जाएं। 31 दिसंबर को पूरा 64 हो जाने में। हाय माशाल्लाह। चार्ली मामू को क्या हम दोबारा किसी प्ले में जल्द देख रहे हैं? कुछ नहीं कह सकता। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं करना है, बनाना है, कुछ कोई कभी कहता है फिल्म के लिए हम बुला रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही होता है शाहिब भाई। अच्छा, ड्रेसिंग के हवाले से मुझे ना आपकी शुरू से ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे अभी भी आपका कॉम्बिनेशन, वो उसको मैंने एलिब्रेट जरूर करवाना है कि वो रेड शूज हैं और वेस्ट कोट ऑफ वाइट है, मतलब आपने अपना जो लुक है वो भी बहुत मुख्तलिफ रखा है, पर्सनैलिटी अलग से एक, और शाइस्तगी अलग है, और करेक्टर जिसमें आप थे वो तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये कैसे मल्टी? आप देखो ना, तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मुझे कोई और ऐसा शौक है, मेरा सबसे बेस्ट शौक जो है वो ड्रेसिंग है। Okay. मैं कहीं भी जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, अमेरिका जाऊं, तो मेरा ख्याल है फैमिली मुझसे लड़ती है कि हमारे काम है आपके ज्यादा। तो मैं जब व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास, तो मैंने अपना एक टेलर रखा हुआ था। ओह वाओ। तो वो टेलर के पास मैंने अपने शर्ट्स ट्राउजर्स वो मैंने इकट्ठे करते रहना, उसने मुझे कहना मियां साहब, मैं इज्जत से जरा मियाँ बुलाते हैं फैमिली को ना सारे, तो उन्होंने उसने टेलर ने कहना मियाँ साहब थोड़ा बुध वाला दिन है पक्का। तो उसमें क्या होता था, मैंने अपने वो कपड़े इकट्ठे किए होते थे, फिर मैंने उसके पास खुद बैठना है, इवन जो हम अभी तक लेटेस्ट जीन्स हम पहनते हैं ट्राउजर्स, मैंने उसको खुद वहाँ पे डिजाइन बना के देना है, खुद उसको कटिंग करवाता था 9th में। तो मेरे स्कूल फेलोज, सेंटर मॉडल लोअर माल, मेरे स्कूल फेलोज मुझे कहते होते थे कि असद भाई हमें अनारकली लेके चलें, तब अनारकली सुपर हिट बाजार था ना, तो इंग्लिश कट पीसेस वहां पे मिलते थे जो टी शर्ट्स में पहना करता। उन्होंने कहा ना हमें लेके चलें, शलवार कमीज भी हमारे, और हमें शर्ट्स ट्राउजर्स लेके अपने टेलर से हमें स्टिच करवा के दें, और रिश्वत मुझे मिलती होती बानो बाजार के बाहर जो है वो मिल्क शेक, दही भल्ले, फ्रूट चाट, उन्होंने कहना हम वो आपको खिलाएंगे, तो आप हमें चल के ना हमें वो अपना टेलर से मिलवा दें अपने। जबरदस्त, माशाल्लाह। वो शुरू से ही मुझे शौक है बिल्कुल। अच्छा, हम कलाम के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में कौन सा नाम सामने आता है? मुझे तो जो बेस्ट लगता है वो सज्जाद अली है। अरे, फिर आप इब्रारुल हक को ले लें, उसका एक अपना स्टाइल है, उसने जैसे बीच में थोड़े वो चुटकले भी ले आए हैं ना, तो थोड़ी संजीदगी खत्म हो जाती है, अदरवाइज सज्जाद अली इज द बेस्ट। सर, ईद के 3 दिन को कैसे मैनेज करते हैं? चाहने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, दोस्त अजीज भी आपके इतने ज्यादा हैं, फैमिली के बारे में आपने बताया, कौन सा दिन किसके हिस्से में आता है? तीनों दिन फुल फ्लेज हैं, जो आ जाते हैं बस। अब पहले दिन मेरी तरफ सारे आएंगे, तो नेक्स्ट डे अब मैं, मिसेस, हम सारे बच्चों की तरफ, मेरे जो कजन्स हैं, सिस्टर की तरफ हम जाएंगे। फिर तीसरे दिन मुझे होता है कंटिन्यूसली 3 दिन मेरा टेलीफोन ऑन ही रहता है,
वो तीन दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जिधर जिधर मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैं कॉल करके मैसेज दूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं छोड़ना होता, उनको मैं कॉल करता हूँ, जितने भी जानने वाले हैं कॉल करके, तो मैं कॉल करके उनको कहता हूँ कि साल में यही मौका होता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। साल के बाद भी आप याद रखें। तीन दिन आप ईदी देते होंगे सबको, कोई ऐसा शख्स है जो आपको भी ईदी देता है या जिससे आप भी ईदी मांगते होंगे? ऐसा तो चलें, कोई बात नहीं, आप तो इतने अमेजिंग कैरेक्टर हैं, आपको तो बहुत हिम्मत वाला होना चाहिए। आप तो सबको हंसाते हैं, पेरेंट्स की बात की जाए तो उनका कोई नेमो बदल नहीं है, और हमारे बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से कैरेक्टर आप दीदा हो गए हैं अपने वाले साहब को याद करते हुए। हमारे साथ चार्ली मामू असद भंडारा साहब मौजूद थे, खूबसूरत दिन इनके साथ हमने गुजारा ईद का। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।